एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट और एक्ट ओवर अ सेम रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन द फिगर कैन कॉज इलेक्ट्रॉन टू पास अनडेविएटेड. अनडेविएटेड कौन निकाल देगा भाई वो देख लेना. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, नॉट पॉसिबल, एंटी पैरेलल, नॉट पॉसिबल. इन दोनों केस में पॉसिबल हो सकता है जब दोनों फोर्स अलग अलग लग रहे हो. इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऊपर लगेगा, और वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा है तो क्यू बी भी नीचे आ जाएगा, है ना. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें भी चेक कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, पार्टिकल जा रहा है सामने, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो लगेगा नीचे की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऊपर तो वो भी आ जाएगा नीचे, तो क्यू ई और क्यू बी भी दोनों क्या जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ जा रहे हैं. दैट मीन्स ये भी क्या होगा, डेविएट करा देगा पार्टिकल को. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी.